अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने गूगल अकाउंट की हिस्ट्री को परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हमारे पास ऐड शो हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। वो ऐड दरअसल क्यों शो होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें सर्च की होती हैं और हिस्ट्री जो होती है वो हमारे गूगल अकाउंट में सेव होती है। उसके अलावा जो मतलब कि अदर वेबसाइट्स होती हैं, हमने उनको लिंक किया हुआ होता है, उनको परमिशन दी होती है, उसी वजह से ये मतलब कि एड्स वगैरह अपने आप को खुद ब खुद शो होते रहते हैं आपको। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने मोबाइल में हो या लैपटॉप में आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे ही आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है, देखें ये ऊपर की जानब थ्री डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, सिंपल से ये आइकन और थ्री डॉट, आपने थ्री डॉट पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं नीचे आते हैं, देखें यहाँ पे हिस्ट्री, आप यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री आपकी शो हो रही है जो अभी अभी आपने सर्च किया। यूट्यूब पे सेटिंग में गूगल में एक्टिविटी लिखा हुआ है। आपने सिंपल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है। सिंपल ये आपको शो हो रहा है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखें ये कह रहा है बेसिक और एडवांस, ये दरअसल एक ही चीज़ होती है। देखें यहाँ पर एक घंटे की भी कर सकते हैं आप और ऑल टाइम की भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑल टाइम की रिकमेंड करूँ कि आप ऑल टाइम की जो पहले आप सर्च कर चुके हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं सिंपल सा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या सर्च कर किया हुआ देख सकते हैं। पुराना से पुराना डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया हुआ है। उसके लिए सिंपल आपने सर्च हिस्ट्री पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं ये एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखें ये लिखा हुआ डिलीट एक्टिविटी बाय अदर एक्टिविटी, आपने सिंपल ये देख सकते हैं आप वेब ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, सब की सब हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे सेव होती है। देख रहे हैं आप बहुत सारी मतलब कि जब से आपने गूगल अकाउंट क्रिएट किया होता है आप डिलीट करते नहीं हैं और इसमें ये हिस्ट्री सेव होती रहती है, उसी वजह से आपको ऐड शो होते रहते हैं। यहाँ पर देखें एक्टिविटी कंट्रोल, एक्टिविटी कंट्रोल पर आप जाएँगे तो आपको यही मतलब कि ये कह रहे हैं मैनेज हिस्ट्री, मतलब कि आप हिस्ट्री को मैनेज भी कर सकते हो कि आप कब से कब तक की रखना चाहते हो और कब डाउनलोड वो डिलीट करना चाहते हो, मतलब कि एक हफ्ते की डिलीट करना चाहते हो, घंटे की डिलीट करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑटो लगा दो खुद बखुद डिलीट होती रहेगी। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कैंसिल करने के बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ। जैसे सर्च हिस्ट्री पे क्लिक किया आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, आप क्रोम की हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रोम की हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, देखें क्रोम की हिस्ट्री ए टू जी आपके पास क्रोम की हिस्ट्री शो हो जाएगी, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अदर एक्टिविटी तो हो गया है, एक्टिविटी दिखाया आप वहाँ तो मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके लिए उसके बाद नई एक्टिविटी मतलब कि आप ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले दिखाई है, गूगल अकाउंट आपको गूगल अकाउंट हो जाते हैं यहाँ पर आके मतलब कि इसको इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको प्राइवेसी लगा सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि आप कोई भी आपके अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी ना करें, मतलब कि आपका अकाउंट हैक होने से आप इससे बचा सकते हो उसमें जाके सिक्योरिटी में जाके। सिंपल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने हिस्ट्री अपनी कैसे डिलीट करनी है, ये एक्टिविटी कंट्रोल ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल बैग आ जाना। जैसे हम बैग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपने डिलीट करने के बाद देखें ये आ गया, आप टाइम पे क्लिक करना है। जैसे आप टाइम पे क्लिक करते हैं आपने क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हिस्ट्री होती है आपकी वो डिलीट होने में टाइम तो लगता है। जैसे डिलीट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जो भी हिस्ट्री हो आप साथ साथ डिलीट करते रहे करें क्योंकि इंसान को कोई पता नहीं होता फिर हिस्ट्री कोई और देखे तो फिर अच्छा मतलब कि फील नहीं होता।
आप देख सकते हैं चेक नाउ, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सेव ब्राउजर एक्सटेंशन वगैरह सब क्लियर हो गया है। उसके बाद आप ये भी कर दें क्लियर ब्राउजर डाटा, यहाँ पे क्लिक करके एडवांस में आके इस सब पे मतलब क्लिक करके और यहाँ से ऑल टाइम क्लियर डाटा कर देना। देखिए ये हो गया। अब आप बिना झिझक मतलब के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं है कि आपकी क्या हिस्ट्री है। अब देख लें यहाँ पे रिसेंट टैब, मतलब कि अब जो ओपन करेंगे उसी का आपको शो होगा, अदरवाइज हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं एक अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।